गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी कोकिला उप विषय हमारा पार्ट नंबर 11 हमारे अध्यापक बेटा ये हिंदी रीडर का लेसन है हमारा लेसन नंबर 11 हमारे अध्यापक ये जो हमारे अध्यापक हैं जो हमारे गुरुजन हैं जो हमें पढ़ाते हैं ये उनके बारे में बताया गया कि जो हमारे इधर अध्यापक हैं वो हमें क्या क्या सिखाते हैं, कैसे करवाते हैं, किस किस चीज़ का ज्ञान हमें करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है हमारे अध्यापक हमें पढ़ाते हैं कि जो हमारे गुरुजन हैं जो हमारे गुरु हैं जो हमारे अध्यापक हैं वो हमें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं अक्षरों की पहचान कराते हैं। और क्या करते हैं, अक्षरों की पहचान करवाते हैं कि ये या ए कैसे लिखे जाएगा, आ कैसे लिखे जाएगा। और फिर गणित के अंदर भी हमें सिखाते हैं, हमें भूगोल का ज्ञान भी करवाते हैं, हमें साइंस के बारे में भी बताते हैं, हमें इंग्लिश के बारे में भी बताते हैं, हर चीज के बारे में हमें क्या करते हैं, हमें ज्ञान करवाते हैं। हमारे अध्यापक हमें पढ़ाते अक्षरों की पहचान कराते कि जो हमारे अध्यापक हैं वो हमें पढ़ाते हैं और अक्षरों की पहचान करवाते हैं। जोड़ घटा गुणा सिखाएं, हमें जोड़ करना प्लस करना घटा किसको बोलते हैं, गुणा करना, सॉरी घटा किसको बोलते हैं, माइनस को, गुणा करना मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। पर्सन गणित के हल करवाते, गणित बोलते हैं मैथ को, गणित बोलते हैं और मैथ के जो पर्सन है गणित के जो क्वेश्चन है वो हल करवाते हैं। खेल खेल में पढ़ते हैं और हम खेल खेल की भाषा में पढ़ते हैं और खेल खेल की भाषा में ही हम अच्छे से सीख जाते हैं। परीक्षा से नहीं डरते हम, और हम जो है परीक्षा से नहीं डरते हैं, जो हमारे एग्जाम होते हैं टेस्ट होते हैं हम उनसे डरते नहीं हैं। आओ मिलकर करें पढ़ाई, और आओ मेरे दोस्त मेरे मित्र सब आ जाओ, हम सब मिलकर क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो बेटा इस लेसन को अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक से विस्तार से रीड करेंगे। ये है हमारा हिंदी रीडर का लेसन नंबर 11। हमारे अध्यापक हमें पढ़ाते कि हमारे जो गुरु जी हैं जो गुरुजन हैं वो हमें पढ़ाते हैं, अक्षरों की पहचान करवाते कि अक्षरों की पहचान करवाते हैं, क कैसे लिखा जाता है, ख ग घ, जैसे 10+1, हमें अक्षरों की पहचान कराते हैं। न डांटे न हमें रुलाए, और न ही हमें कभी डांटते हैं और न ही हमें कभी रुलाते हैं। बहुत प्रेम से हमें पढ़ाएं, प्रेम होता प्यार, बहुत प्यार से हमें पढ़ाते हैं। जोड़ घटा गुना सिखाएं, जोड़ करना घटा करना और गुना करना हमें सिखाते हैं। पर्सन गणित के हल करवाएं, और गणित के पर्सन हल करवाते हैं। भूगोल का हमको ज्ञान करवाते, और जो भूगोल है उसका ज्ञान हमें करवाते हैं। इतिहास की पूरी कथा सुनाते, जो इतिहास दिया गया है पूरी, मतलब कि एसएस के 3 पार्ट्स होते हैं, तो जो उसके अंदर इतिहास होता है उसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। कथा होता है कहानी, पूरी कहानियां सुनाते हैं। खेल खेल में पढ़ते हम खेल खेल में बहुत अच्छा सीख लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। परीक्षा से नहीं डरते हम, और हम कभी भी परीक्षा देने से टेस्ट से नहीं डरते हैं। आओ मिलकर करें पढ़ाई कि बच्चों आओ सब आओ और मिलकर पढ़ाई करें। सिर पर अब परीक्षा आई, और अब हमारे सिर पर परीक्षा आ गई है। तो बेटा आज हम ये कंप्लीट लेसन करेंगे, अब करेंगे वर्ड मीनिंग रूल आए। किसी के रोने का कारण बने, सिर पर यहाँ बहुत नज़दीक, प्रेम से प्यार से, परीक्षा इम्तिहान। अब है प्रश्न उत्तर, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। हमारे अध्यापक हमें क्या कराते हैं, हमारे अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। इस कविता में कौन कौन से विषय का जिक्र हुआ है, इस कविता में मैथ भूगोल इतिहास आदि विषयों का जिक्र हुआ है।
बच्चे किससे नहीं डरते हैं? बच्चे परीक्षा से नहीं डरते हैं। अध्यापक गणित के क्या हल करवाते हैं? अध्यापक गणित के जोड़ घटा गुणा हल करवाते हैं या फिर पर्सन हल करवाते हैं। फिर आगे है, कविता को गाकर सुनाना है। रिक्त स्थान में हमें कविता का स्टैंजा कंप्लीट करना है। खेल खेल में पढ़ते हम, परीक्षा से नहीं डरते हम, आओ मिलकर करें पढ़ाई, सिर पर अब परीक्षा आई। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। हमारे अध्यापक हमें कैसे पढ़ाते हैं? डांटकर, भगाकर, प्यार से, गुस्से से। कैसे पढ़ाते हैं? प्यार से। अध्यापक किसकी पूरी कथा सुनाते हैं? भूगोल की, संस्कृत की, इतिहास की और विज्ञान की। किसकी? इतिहास की पूरी कथा सुनाते हैं। भाषा ज्ञान, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। गणित, गणित को कैसे लिखा जाता है? ग अण अण के छोटी की मात्रा और तय गणित। गुणा, ग ऊ अण आ। परीक्षा, प र र के बड़ी की मात्रा, अक्षय और आ। परीक्षा, अक्षर ए पूरा अक्षय और र। अध्यापक, ए आधा ध य आ प क। अध्यापक, इतिहास ई तय तय के छोटी की मात्रा ती है आ से। इतिहास। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के तुक वाले दो दो शब्द लिखिए। कथा, तथा, व्यथा। पढ़ते, चढ़ते, बढ़ते। आई, खाई, नाई। सुनाते, कराते, बताते। खेल, मेल, रेल। अब है क्वेश्चन नंबर 7। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का अर्थात उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे केला, केले, पुस्तक, पुस्तकें। रेखा, रेखाएं, योजना, योजनाएं, वस्तु, वस्तुएं। कथा, कथाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, पुस्तक, पुस्तकें। कुछ नया कीजिए। आपको कौन कौन से विषय पसंद हैं? कक्षा में आपको कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? पसंद वाले विषय गणित, हिंदी। पढ़ाए जाने वाले विषय गणित, हिंदी, भूगोल, इतिहास, साइंस। तो बेटा, ये आपने कंप्लीट लेसन को लर्न करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज जो भी दिया गया, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।